सीड स्टॉकिंग का सीजन आ रहा है। सीड स्टॉकिंग करते वक्त फार्मर्स छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के फार्मर्स को बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करना है और आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन बातों को फॉलो करोगे तो आप फिश फार्मिंग में 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। ये जो सीड स्टॉकिंग का वीडियो है, इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। पहले पार्ट में इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको सीड स्टॉकिंग के पहले क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको सीड स्टॉकिंग के वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और थर्ड पार्ट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सीड स्टॉकिंग करने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखते रहिए, मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिट वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सीड स्टॉकिंग करने से पहले हम सीड्स का रेट निकालते हैं। अब रेट जो होता है ना, हर जगह पे हमको रेट अलग अलग मिलता है। कहीं पे 1 रुपया मिलता है, कहीं पे 2 रुपया मिलता है, कहीं पे 3 रुपया मिलता है। तो हर जगह पे सीड का रेट अलग अलग होता है। हम यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, हम सबसे सस्ते वाला लेने की कोशिश करते हैं। सबसे सस्ते के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। आपको ये ध्यान में रखना है कि सीड सस्ता ना हो, भले ही महंगा हो, पर उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और वो बड़ी साइज का होना चाहिए। जितना बड़ा सीड आप लोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हो सकता है कि 1 रुपये वाला जो सीड है वो छोटा हो, 2 रुपये वाला उससे थोड़ा बड़ा हो, 3 रुपये वाला उससे और ज़्यादा बड़ा हो। तो आपको कोशिश ये करना है कि आपको जितना हो सके अच्छी क्वालिटी का सीड लेना है और बड़ी साइज़ का सीड लेना है, क्योंकि सीड्स जितने छोटे होंगे ना उतना आपको उसको हैंडल करना या उसको संभालना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है। कभी भी मोर्टेलिटी हो जाती है और ज़रा भी बीमार पड़ेगा तो मरना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए आपको ये कोशिश करना है कि जितना बड़ा सीड आप लोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि मछली के बच्चे जितने बड़े होते हैं उतने स्ट्रांग होने लगते हैं और मोर्टेलिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना कि सीड आपको बड़ी साइज का लेना है। जब मछली के बच्चे लेना हो तो बहुत सारे फार्मर्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो हैचरी नहीं जाते। हमेशा हैचरी जा करके मछली के बच्चों को देख करके लेना चाहिए। यहाँ बैठे बैठे बस फोन पे हैचरी में ऑर्डर दे देना या फिर किसी ट्रेडर के थ्रू मंगवा लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको जब भी मछली के बच्चे चाहिए तो हैचरी में जाके उसको चेक करना चाहिए। वहाँ देखना चाहिए कि मछली के बच्चे एक्टिव है, नहीं है, कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, साइज क्या है उसकी। तो क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप यहाँ बैठे बैठे मंगवा लोगे तो वो लोग आपको जो देंगे आपको बस वो एक्सेप्ट करना है। जब आप वहां जाते हो और अगर आपको पसंद ना आए वो बच्चे तो आसपास में आपको और भी बहुत सारी हैचरीज मिल जाएगी। अब लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं कि हम ना वीडियो मंगवा लेंगे और वीडियो में देख के ऑर्डर देंगे। तो ध्यान रहे, वीडियो उनके पास बहुत सारे होते हैं, अलग अलग मछलियों के होते, तो वीडियो सबको एक ही भेजा जाता है। लेकिन बच्चे जब डिलीवरी होती है सीड्स की तो वो बच्चे अलग होते हैं, कभी कभी छोटे भी होते हैं, वीडियो में बड़े दिखाए जाते हैं और जब आते हैं बच्चे तो वो छोटे होते हैं। इसीलिए हमेशा ध्यान में रखना कि कभी भी आप इंस्पेक्शन के लिए जाओ और देखने के बाद आप ऑर्डर दो। सीड्स की क्वालिटी चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। सीड की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि उसमें कितनी मोर्टेलिटी होगी, उसमें कितना फास्ट ग्रोथ आएगा और आपको कितना प्रॉफिट होगा। सीड की क्वालिटी चेक करते वक्त आपको खास ध्यान रखना है कि वो किसी बीमारी से इन्फेक्टेड ना हो। उसकी आंखें चेक करना है, उसके टेल, उसकी फिन्स, उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से चेक करना है ताकि वो कहीं पे इन्फेक्टेड ना हो। अगर उसकी आंखें, उसकी फिन्स या उसकी बॉडी, उसकी टेल कहीं पर भी ऐसे लाल निशान दिखाई दे तो आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि वो इन्फेक्टेड है और वो मर भी सकती है। उसकी बॉडी पे ऐसा फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फंगल इन्फेक्शन है तो वो धीरे धीरे बढ़ सकता है और मछलियाँ ज़्यादा इन्फेक्टेड होकर मरना भी स्टार्ट हो सकती है। मछलियों के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत एक्टिव होने चाहिए और फुल स्पीड में यहाँ वहाँ भागते रहना चाहिए। वो एक जगह पर रुके हुए सुस्त टाइप नहीं होना चाहिए। अगर वो एक जगह पर रुके हुए है, सुस्त टाइप है, तो आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है। और इसके अलावा आप उनको फीड डालिए, थोड़ा सा फीड डाल के आप देखिए कि वो कितना एग्रेसिवली अटैक करके खा रहे हैं। अगर वो एग्रेसिवली अटैक करके खा रहे हैं तो वो इंटरनली स्ट्रांग और एक्टिव है। अगर वो फीड को एग्रेसिवली नहीं खा रहे हैं, सुस्त टाइप, लेजी टाइप है, बहुत स्लो खा रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो इंटरनली कुछ उनको प्रॉब्लम है और वो अंदर से स्ट्रेस में है। आप ना थोड़ा सा फीड वाले का फिश फीड अपने साथ ले जाया करो जब भी आप मछलियों के बच्चों को चेक करने के लिए जाओ, क्योंकि फीड वाले का जो फिश फीड है ना वो मछलियाँ बहुत एग्रेसिवली खाती है। तो आप थोड़ा सा फिश फीड डाल के आप देख सकते हो कि वो कितना एग्रेसिवली खा रही है। उससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि मछलियाँ कितनी एक्टिव है, स्ट्रांग है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सीड स्टॉकिंग करने से पहले पॉन्ड प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है।
पॉन्ड प्रिपरेशन बहुत से लोग नहीं करते, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कितने मछली के बच्चे कम हो जाते हैं वो पता ही नहीं चलता, और अंदर ही अंदर कितना लॉस हो जाता है वो भी पता नहीं चलता। क्योंकि पॉन्ड प्रिपरेशन अगर आप ठीक से नहीं करोगे ना, तो अंदर सांप होंगे, मेंढक होंगे, ऊपर से बगले आएंगे, और बगले वगैरह सांप मिलके इतनी मछलियों के बच्चों को खा जाओगे ना कि बहुत लंबा नुकसान उसकी वजह से हो सकता है। इसीलिए कभी भी आपको ध्यान ये रखना है कि आपको पॉन को चारों तरफ से, साइड से, ऊपर से, नीचे से, हर जगह से पॉन को पैक करना है, ताकि नीचे से सांप ना जा सके, मेंढक ना जा सके, ऊपर से बगले ना आ सके। आपको पॉन को अच्छे से पैक करना है ताकि आपकी सीड्स जो है वो सेफ हो। और आपको एक खास बात का ये ध्यान रखना है कि पॉन प्रिपरेशन मछली पानी भरने से पहले आपको करना है। पानी भर देने के बाद उसमें से सांप और मेंढक को आप नहीं निकाल सकते, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी भरने से पहले पॉन्ड प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना है। सीड शॉकिंग से पहले वाटर प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मछलियों के जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत नाजुक होते हैं। इतना लंबा सफर तय करके जब वो आते हैं तो वो बहुत कमजोर हो जाते हैं और बहुत थके हुए होते हैं। अब ऐसे में उनको एक ऐसा वातावरण देना चाहिए जैसा उन्हें चाहिए। पानी की कंडीशन ऐसी हो जो उनके लिए फेवरेबल हो। पानी की कंडीशन अच्छी होगी तो वो रिलैक्स हो जाएंगे और मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा नहीं होगी। अब पानी की कंडीशन को सूटेबल करने के लिए आप फिश गार्ड, वाटर कंडीशनर और इकोबैग का इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको हमारे शॉप्स पर या फिर अमेजोन पर मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक वाटर प्रिपरेशन किट भी बनाया है। सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप अमेजोन से वाटर प्रिपरेशन किट भी परचेस कर सकते हो, ताकि आप अच्छे से वाटर प्रिपरेशन करके अपनी मछलियों को एक अच्छा वातावरण दे सको। और ध्यान रहे कि वाटर प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। वाटर प्रिपरेशन आप करोगे तो मछलियों को जैसा वातावरण चाहिए वैसा वातावरण मिल जाएगा और मॉर्टेलिटी नहीं होगी, और हमारी जो मछलियाँ हैं वो बिल्कुल सेफ रहेगी। सीड शॉकिंग करने से 3 से 4 दिन पहले आपको पॉन्ड प्रिपरेशन और वाटर प्रिपरेशन कंप्लीट कर देना है और अपने तालाब को बिल्कुल रेडी रखना है। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि जब सीड शॉकिंग कर रहे होते उसी वक्त वो लोग पानी भर रहे होते या उसी वक्त वो लोग पॉन्ड प्रिपरेशन भी कर रहे होते। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, इसकी वजह से आपको बहुत नुकसान हो सकता है और मॉर्टेलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप जब सीड शॉकिंग करते हो तो सीड शॉकिंग से 3 से 4 दिन पहले आपका पॉन्ड बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। सीड शॉकिंग आपको आपके तालाब की साइज के हिसाब से करना चाहिए। कभी भी ध्यान रहे कि ओवर डेंसिटी में आपको स्टॉकिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप हाई डेंसिटी पे फार्मिंग करते हो तो मछलियों का जो ग्रोथ होता है वो स्लो हो जाता है। आपके तालाब में मछलियों को जितना घूमने फिरने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी उतना वो स्ट्रेस फ्री रहेगी और उसको ज़्यादा फास्ट ग्रोथ आएगा। अगर उसको अच्छा ग्रोथ आएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना कि आपके तालाब के साइज के हिसाब से आपको उतनी ही मछलियों को स्टॉक करना है। चलिए, आप अगर यहाँ तक देख रहे हो वीडियो, तो आपको 7 पॉइंट्स के बाद में एक 8वां पॉइंट आपको बोनस टिप देता हूँ। सीड स्टॉकिंग करते वक्त आपको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपके मार्केट में, आसपास के लोकल मार्केट में कौन सी मछली का सबसे ज़्यादा डिमांड है, आपको उसी मछली की सीड स्टॉकिंग करना चाहिए। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हाई वैल्यू फिश के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ऐसी मछलियों को स्टॉक कर लेते हैं, ऐसी मछलियों की फार्मिंग करने लग जाते हैं जो मार्केट में बिकती ही नहीं हो। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि अगर आप देखोगे रोहू कटला या फिर पंगाशेस, तो ये मछली जो होती है मार्केट में एक दिन में अगर 1000 किलो बिकती है तो दूसरी जो हाई वैल्यू फिश होती है जैसे कि कोई हो गई या फिर सिंगी हो गई, तो मुश्किल से 25 या 50 किलो दिन में बिकती है। तो कहाँ 1000 किलो दिन में बिकने वाली मछली जो आपको ऑन द स्पॉट एवरी डे बिकेगी, और कहाँ 20 25 या 50 किलो बिकने वाली मछली जो सिर्फ और सिर्फ छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे या फिर किसी छुट्टी के दिन बिकेगी, जिसका मार्केट रोज नहीं रहता। तो आप जो भी मछलियों को स्टॉक करो, आप पहले ये सर्वे करो अपने मार्केट में कि यहाँ पर आपको किस मछली का पालन करना चाहिए और किसकी सबसे ज़्यादा डिमांड आपके लोकल मार्केट में है। तो ये थी कुछ बातें जो आपको सीड स्टॉकिंग करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको अच्छा फायदा हो जाए और आप नुकसान से अपने आप को बचा सको। अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको सीड स्टॉकिंग करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। उसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको सीड शॉकिंग करने के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके दिल में या दिमाग में कोई डाउट हो, कोई सवाल हो या कोई ऐसा सजेशन हो जो दूसरों को काम आ सके, तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको लगा अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।